पिछले एपिसोड में आपने देखा, हो गया होमवर्क। अरे आज इतनी जल्दी? हाँ, क्योंकि मुझे कभी भी सिग्नल आ सकता है, मुझे जाना होगा। अब आगे हाँ? मैं आ गया दोस्त, ये लो बिस्किट। हाँ? मुसीबत अपुन की नहीं, अपुन की दोस्त किया, पर दोस्त की मुसीबत भी अपनी मुसीबत होती है। ओरे, इसका तो पैर टूटा है, अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आइडिया, काम करते हैं, इस कूड़े वाले डॉग को हम मम्मी के पास ले चलते हैं। ये कौन है? ये है कूड़े वाला डॉग। रॉबिन, ये कूड़े वाला डॉग क्या होता है? तुमने इसका कुछ नाम तो रखा होगा ना? नाम? ये तो डॉग है, इसे नाम की क्या जरूरत? जरूरत है, नाम से ही हमारी पहचान शुरू होती है। ओह, समझ गया। इसके शरीर पर बहुत सारे स्पॉट है, तो क्यों ना इसका नाम स्पॉट रख दे मम्मी। अरे हाँ, स्पॉट, ये बहुत ही प्यारा नाम है। आज से तुम्हारा नाम स्पॉट। मम्मी, इसका पैर टूटा है, याद है एक बार मेरा हाथ टूटा था, तब हम अस्पताल गए थे और डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ भी दी थी, तो मम्मी क्यों ना हम मेरी बची हुई दवाइयाँ स्पॉट को खिला दे। स्पॉट अगर मेरी दवाई खाएगा तो इसका भी पैर ठीक हो जाएगा। नहीं रॉबिन, हम ऐसा नहीं कर सकते। हैं? क्यों मम्मी? जैसे हम कुत्तों की दवाइयाँ नहीं खा सकते, वैसे ही कुत्ते हमारी दवाई नहीं खा सकते। ओह, तो अब हमें क्या करना होगा? हमें स्पॉट को अस्पताल ले जाना होगा। उसी अस्पताल में जहाँ मुझे ले गए थे? नहीं रॉबिन, वो तो इंसानों का अस्पताल है, हमें स्पॉट को जानवरों के अस्पताल ले जाना होगा। जानवरों का अस्पताल? हाँ। हाँ? इसके पैर में तो फ्रैक्चर है, पर कोई बात नहीं, हम इसे ठीक कर सकते हैं। हाँ, अब इसका पैर एक दो महीने में ठीक हो जाएगा। हैं? क्या आप रोज ऐसे ही जानवरों की मदद करते हो? हाँ, कुत्ते, बिल्लियाँ, गाय, गधे, मैं सबको ठीक करता हूँ, आखिर मैं एक वेट जो हूँ। क्या मैं भी आपके जैसा वेट बन सकता हूँ? बिल्कुल बन सकते हो, इस समय जानवरों को वेट्स की बहुत जरूरत है, लेकिन अभी तो तुम बहुत छोटे हो, जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते तब तक तुम अपने आसपास के जानवरों की मदद कर सकते हो, जैसे सर्दियों में उन्हें चादर और गर्मियों में पानी देकर और बाद में फर्स्ट एड सीख कर। मुझे पढ़ने दे। यार रॉबिन, तू तो आजकल कुछ ज्यादा ही पढ़ाई कर रहा है। हाँ, क्योंकि अब मेरे पास एक गोल है, मुझे वेट बनना है।